बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सद्दाम हुसैन फ्रॉम चैनल मदीना एजुकेशनल सिस्टम। एफएससी फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैटर क्लास में आपने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम गाड़ियों को पेंट वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से धुआं वगैरह निकलता है तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स को रोकने के लिए भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो फील्ड ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी डेफिनेशन थी फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इसके बाद ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते थे, और एफ ओवर क्यू, यहाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। और ये जो फार्मूला था 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वैक्टर, ये फार्मूला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसके यूनिट्स न्यूटन पर कॉलम और वोल्ट पर मीटर, और इसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये प्रीवियस था, और प्रीवियस में हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस को यूज़ करते हैं, और उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और द पाथ फॉलोड बाय अ टाइनी पॉजिटिव चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एंड ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी लाइन्स, और ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव से एंड होती हैं। अगर आपके पास सिंगल चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ने से नंबर ऑफ लाइन्स भी बढ़ जाती हैं, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं, तो हमने पढ़ा था कि वो सिमिलर चार्जेस के लिए जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं, जबकि हमारे पास अपोजिट चार्जेस के लिए लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं। और ये सारी बातें हमने डिस्कस की लास्ट टॉपिक में, और ये प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिन आउट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव एंड होती हैं, इंटरेक्ट नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। तो इसकी रीज़न भी बिल्कुल सिंपल सी रीज़न है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन। अगर ये इंटरेक्ट करती हैं तो इट मीन्स दैट इट हैव मोर देन वन डायरेक्शन, जो फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद ये सारी हमने जो है ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, और उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले ये हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। व्हेन इंक इज टू बी प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन इन द इंक जेट प्रिंटर, द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स शुड बी टर्न्ड ऑन, टर्न्ड ऑफ, हाईली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज। आंसर क्या है? देखिए बच्चे, सवाल टॉपिक पढ़ाने से पहले करने का मतलब मकसद ये होता है कि जब आप टॉपिक पढ़ें तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आया कि मुझे उस लेवल तक समझ आ गई है जिस लेवल तक ये सवाल पूछा गया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि टॉपिक डिस्कस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस सवाल का आसानी से जवाब दे सकें। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। तो हमारे पास पहला जो है दैट इज जीरोग्राफी। जीरोग्राफी असल में फोटोकॉपियर। जीरोग्राफी का जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिला है, एक जीरोस और दूसरा ग्राफोस। इन दोनों को अगर कलेक्टिवली हम देखें तो इसका मतलब होता है ड्राई राइटिंग। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो जीरोग्राफी यानी फोटोकॉपियर का बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंट्रैक्ट करते हैं उस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके इन्होंने फोटोकॉपियर बनाया। अब इसकी वर्किंग में इसका जो मेन पार्ट है वो हमारे पास है ड्रम। ड्रम क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, तो ये हम समझते हैं इस हमारे पास स्केच से। तो ये देखें, ये स्केच आपकी बुक से लिया गया है।
ये स्केच बिल्कुल आपकी बुक पर यूं ही बना हुआ है। यहाँ देखिए ये लैंप है और ये वो पेपर है जिस पेपर को हमने परमानेंट प्रिंट करना है, और ये लेंस है। लेंस का काम ये है कि ये लाइट को फोकस करता है ड्रम पर। अब ये मैंने कहा मेन पार्ट ऑफ द मशीन। ड्रम जो है ये एल्यूमिनियम का बना होता है, जबकि इसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की होती है, यानी कि सारा ड्रम एल्यूमिनियम का, इस पर सेलेनियम की कोटिंग, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप अपने ब्रेड पर जैम लगा देते हैं। तो ब्रेड जो है वो असल में एल्यूमिनियम का है और जैम उस पर सेलेनियम की कोटिंग होगी। अब ये एल्यूमिनियम जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सेलेनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है। क्या मतलब कि फोटो कंडक्टर का मतलब है कि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर है, और जब ये डार्क में होगा तो ये इंसुलेटर है। अब होता ये है कि ये लैंप इस पेपर पर रोशनी को फॉल करवाता है। अब आपको पता है कि कुछ हिस्सा पेपर का लिखा हुआ है, यानी कुछ वर्ड्स हैं, और कुछ पेपर का हिस्सा साफ है। जो हिस्सा साफ है वो तो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ड्रम पर थ्रो कर देगा, और जहाँ पर लिखे हुए हैं वर्ड्स हैं वो रोशनी को ब्लॉक कर लेगी। इट मीन्स दैट ड्रम पर भी कुछ इसी तरह का इमेज बन जाएगा, यानी कि ड्रम पर वो हिस्से जहाँ पर पेपर पर नहीं लिखा हुआ वो ड्रम में न्यूट्रल हो जाएंगे, जबकि जो लिखा हुआ है वो ड्रम पर इसी तरह पॉजिटिव चार्ज रिटेन करेगा, क्योंकि सेलिनियम के ड्रम पर हमने सारा इसको पॉजिटिवली चार्ज स्कैटर किया हुआ। अब होता यह कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला हमारे पास जो ड्रम है, जिसके कुछ हिस्से पॉजिटिव चार्ज हैं कुछ नहीं है, तो ये टोनर से गुजरता है। अब टोनर क्या है? टोनर असल में एक ब्लैक पाउडर है जिसको हम नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। जैसे ये ड्रम पॉजिटिवली चार्ज ड्रम, यानी कि ड्रम के वो हिस्से जो डार्क थे उन पर वो इमेज वैसे के वैसा रिटेन है पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में, तो वो नेगेटिव चार्ज वाले टोनर से गुजरता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। होता यह है कि वो जो टोनर है वो ड्रम के साथ चिपका हो जाता है, और फिर हम नीचे से पेपर को इंसर्ट करते हैं, तो वो टोनर सारा का सारा पेपर पर शिफ्ट हो जाता है। अब अगर हम इसको मेल्ट नहीं करवाते तो ये परमानेंट प्रिंट नहीं होगा। फिर होता यह कि हम इस पेपर को हीटेड रोलर से गुजारते हैं। ये हीटेड रोलर इस इंक को क्या कर देते हैं? मेल्ट कर देते हैं, और इस तरह हमारे पास एक परमानेंट प्रिंट हमारे पास आ जाता है। ये इसकी एक वीडियो भी है, इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। ये हमारे पास ये बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह ये ऊपर कवर होता है, कभी आप फोटोकॉपी करवाने जाएं तो आपको पता होता है। ये हमारे पास ग्लास की एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर हम पेपर रखते हैं। ये नीचे एक लेंस होता है, ये लेंस ट्रैवल करता है, और ये लेंस क्या करता है, ये लाइट जो है, सॉरी, ये लाइट जो है ये पेपर पर फॉल करती है, और जब ये लाइट पेपर पर फॉल करती है तो ये क्या करती है, इस लेंस के थ्रू इस को फोकस करवाती है ड्रम के ऊपर। ये ड्रम जो है सेलेनियम का है, कोटिंग है। अब इसके ऊपर क्या होता है, जो लाइट सर्फेसेज होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं हमारे पास न्यूट्रल हो जाती हैं, जबकि जो लिखा हुआ है हमारे पास जो भी रिटर्न में है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज में रिटेन रहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये टोनर है, टोनर से जैसे गुजरता है तो वो इंक जो है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है ये, इस पर ऊपर क्या हो जाती है, ये चिस्पा हो जाती है, और नीचे से हम पेपर को इंसर्ट करते हैं, और ये फिर हीटर रोलर से गुजर कर हमारे पास परमानेंट प्रिंट आ जाता है। तो अब गौर कीजिएगा, ये लाइट फॉल करवा रही है इस पर, और ये लाइट जब फॉल हुई तो ये देखें अब इमेज बन रहा है, ये देखें इमेज बन रहा है, ये इमेज अब टोनर से गुजर रहा है, टोनर से गुजरा तो ये देखें ब्लैक हो गया, यानी इसने इंक इसके साथ चिपका होगी। नीचे से हमने पेपर इंसर्ट किया और ये पेपर जो है ये देखें टोनर पेपर पर शिफ्ट हो गया, और ये हीटर रूलर से गुजरे तो हमारे पास क्या आ गया, ये फिनिश्ड कॉपी यानी परमानेंट हमारे पास प्रिंट आ गया। तो ये है फोटोकॉपियर का कि किस तरह फोटोकॉपियर वर्क करता है। नेक्स्ट, ये सारी इसकी वर्किंग लिखी हुई है। ड्रम इज द एल्युमिनियम सिलेंडर कोटेड विद सेलेनियम, सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर, इट रिटेन पॉजिटिव चार्ज इन डार्क एंड बिकम न्यूट्रल इन लाइट। पॉजिटिव चार्ज डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इमेज इज क्रिएटेड ऑन द ड्रम, उसके बाद उसको टोनर से गुजारा जाता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके बाद इमेज देन ट्रांसफर टू द पेपर, और उसको सेटल किया जाता है हीटेड प्रेशर रोलर से। सेकेंड जो है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर है। इंक जेट प्रिंटर क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द थिन स्ट्रीम ऑफ इंक इजेक्टेड फ्रॉम अ नोजल एट हाई स्पीड। वर्किंग इसकी बेटा, इट पासिस थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब आगे एक इमेज आएगी तो हम उससे सारा एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसके बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग क्या है। तो इसकी वर्किंग में दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं,
इसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। होता यह है कि चार्जिंग और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, असल में ये क्या करते हैं कि ये स्टीम ऑफ इंक को, इंक में जिन ड्रॉपलेट्स को पेपर के ऊपर हमने थ्रो नहीं करवाना उनको ये चार्ज कर देते हैं, यानी उनके लिए ऑन होते हैं, और जिनको हमने थ्रो करवाना है उनके लिए ये ऑफ हो जाते हैं। अब ये ऑन ऑफ का जो सिस्टम है ये कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, यानी जो कमांड आप प्रिंट की देंगे उसी हिसाब से ये कंट्रोल्ड होंगे। सेकेंड है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये क्या करती हैं, चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देती हैं गटर में। गटर वो सोर्स है, यानी कि वो हमारे पास रेजरवायर है जो अनयूज्ड इंक को कलेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास अनचार्ज होते हैं वो फ्लाई करते हैं और स्ट्राइक कर जाते हैं पेपर के ऊपर। आए हम देखते हैं कि इस इमेज से हम आसानी से समझ सकते हैं। ज़रा तवज्जो करें कि देखें हमारे पास ये इंक रेजरवायर, ये इंक रेजरवायर कनेक्ट है इंक की नोजल से। अब इंक की नोजल क्या करती है कि एक स्ट्रीम बनाती है, ये रेड कलर में जो आपके पास नजर आ रहा है, ये स्ट्रीम ऑफ इंक फ्लो ये ट्रेवल करना शुरू कर देती है। आगे हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं और दूसरी डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो बच्चे आप ये बात जहन में रखें कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम जस्ट चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करना है, ना कि अनचार्ज पार्टिकल्स को। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को चार्ज कर देते हैं जिनको हमने पेपर के ऊपर स्कैटर नहीं करना। अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जब उनको चार्ज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट करके गटर में थ्रो कर देती है, और वो गटर दोबारा इंक को इंक रेजरवायर में भेज देते हैं। जबकि उन ड्रॉपलेट्स को जिनको हमने पेपर के ऊपर स्ट्राइक करवाना है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उनके लिए ऑफ हो जाते हैं, और जब ये ऑफ होता है तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स अनचार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, इस वजह से वो डायरेक्ट पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है, और इस तरह हमारे पास एक परमानेंट इमेज बन जाता है। तो ये था हमारे पास क्या, इंक जेट प्रिंटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, जिसमें हमने जीरोग्राफी यानी फोटोकॉपियर के बारे में, और दूसरा हमने इंक जेट प्रिंटर को पढ़ा। बच्चे अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।